यहाँ पर ना नेहा कक्कड़ का गाना बड़ा सारा ऊपर पानी आया बा... तो दोस्तों अभी हम सो रहे थे और एकदम से दीपक का फोन आया, कहता भाई शूट पे चलना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई चलते हैं शूट पे, मैं भी काफी वेला हूँ आज। अभी हम दीपक के घर पहुंच चुके थे, उसने हमें दिखाया सरप्राइज गिफ्ट जो कि ये है। तो अभी आप सोचेंगे ये चीज क्या है, तो जो ये चीज है ना, ये चीज हमारे जबड़ा यानी कि जॉ लाइन को शार्प बनाने के लिए काम आती है। अच्छा, और इसका प्राइस पता कितना है? 800 रुपए। पैसा बर्बाद। तो चलो जो भी है खरीद ली तो खरीद ली, बट अभी अभी हम निकलते हैं शूट के लिए। और हमने जो बैग्स वगैरह हैं, कपड़े क्लॉथ वगैरह ले लिए है, तो अभी हम शूट के लिए निकल ही रहे थे। यहाँ पर बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, चले आओ। तो देखिए कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, लोग पेड़ की साइड में रुके हुए हैं। अच्छा, तो अभी ना सच में बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे आप बाहर देख सकते हैं ना, तो ग्लो जो बाहर पड़ा। धीरे धीरे बारिश का मतलब जो स्पीड है ना वो बढ़ती जा रही है। मैं भी क्या हूँ ऐसा होता प्रमोद, तो देखो गाइस मतलब मुंह पे पानी आया बाहर से एकदम से ही। जैसा की आप देख सकते हैं बारिश कितनी तेज हो रही है भैया। हेलो, इसे कहते हैं मेहनत। बारिश में पूरे भीग रहे हैं और अभी चल पड़े लाइटों से। भैया बाय बोल दो। अभी जो हमारे साथ के भैया थे वो यहाँ से चले गए हैं। जो ये एरिया है ना चंडीगढ़ से 4-5 किलोमीटर बाहर है, और यहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही। चंडीगढ़ से 5-6 किलोमीटर बाहर आ गए थे, अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई है, बारिश ही नहीं हुई है। वो भाई जा रहे हैं हंसते हुए, मिट्टी भी सूखी पड़ी है। देखो ऑटो वाले भैया हमारे, नमस्ते भैया। यहाँ शूट हो रहा है एमवी बंटाइसर का सॉन्ग। ओ छोडू। दोस्तों अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर एमवी बंटाइसर का सॉन्ग शूट हो रहा है। तो यहाँ पर होते हैं बहुत सारे सिंगरों के सॉन्ग शूट्स, क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर मतलब सेटअप लगाए जाते हैं। जो आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर बहुत महंगे महंगे मतलब 7-8 लाख के सेटअप्स लगाते हैं। और चलो थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। वो यहाँ पर मतलब सारी लकड़े रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सेटअप तैयार होते हैं। ये जो सारा सामान है यहाँ पर, सामान सारा रेडी होता है, सेटअप जो पीछे आप देखते हो ना। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत सारे डॉलर्स ऐसे ही पड़े हैं देखो। दोस्तों फिलहाल अभी हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सेटअप है ना, ये भी बहुत प्यारा है, बट आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट कम है यहाँ पे। तो अभी अभी दीपक भाई ने बताया कि यहाँ पर ना नेहा कक्कड़ का गाना भी शूट हुआ था। देखो गाइस कैसे सामान पड़ा सारा, मतलब जिन लकड़ियों से सेटअप तैयार होता है, जिस पेंट से तैयार होता है, वो सारी चीजें यहीं पर ऐसे डाल देते हैं ताकि दोबारा यूज हो सके। सच में ये जगह बहुत ही अच्छी और बहुत बढ़िया है, मैं आपको ये सारी जगह दिखाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो चलते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर मौसम मतलब धूप हो रही थी, अभी वो छांव में बदल गई है, यहाँ पर भी बारिश वाला मौसम हो रहा है, रेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों रेस्ट बहुत हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ गानों में दीवार कैसे बनाते। देखो दोस्तों ऐसे बनती है सॉन्ग्स में दीवारें। ये देखो ये सॉन्ग की दीवार है, ये फॉर्म है, ये देखो फॉर्म। अभी ऐसा हो गया मेरे फोन की बैटरी लो गई है, मैं अभी लगा देता हूँ फोन चार्जिंग पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शूट से आ गया था, आने के बाद मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जिसके बाद मैं दवाई लेके आया डिस्पेंसरी से जाके। जो बुखार है ना वो काफी ज्यादा चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, बहुत परेशान हो गया हूँ यार मैं। इस टाइम पे काफी ज्यादा बड़े बाल हो गए मेरे, इतने बड़े बड़े बाल हो चुके हैं मेरे। फोकस हो जा, हो गया। मुझे लगा कि मुझे अपने बाल कटवाने चाहिए, क्योंकि गाइस जब मैं कैप लगाता हूँ सिर से दर्द होता है मेरे, इसीलिए अभी हम फिलहाल जा रहे हैं अपने बाल कटवाने के लिए। और साथ में जा रहा है रोहित आरपी। चलो चलते पहले उसके घर, फिर उसके साथ में चलते हैं कटिंग कराने के लिए। एंड मैं कटिंग कराने के बाद में बताऊंगा आपको कि एमवी बंटाइसर का शूट कहां पे हो रहा है। अभी भी हो रहा है, अभी उनके 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड होनी बाकी हैं। मैं आपको अभी लोकेशन बताऊंगा, और जो उनकी एल्बम आ चुकी है वही वीडियो शूट हो रही है। कटिंग कराने चला, कटिंग कराने। पहले तो ये बता कि ये गेट ऐसे क्यों लगा रखा है, चोरी हो गई थी। नई बॉडी सलमान खान, हटो। रोहित है फिलहाल हमारे साथ, तो दो लोग जुड़ चुके हैं, शुभम और रोहित। हेलो सर, सर आए कर बच्चो यार, यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते नहीं नहीं चलाते चलाते हो? मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार।
वर्मा ब्लॉगर सी एस डी सर्च करो, कर दे यार भाई यार। अरे कहीं नहीं जाएंगे छोटू, यहीं रहते हैं यार, क्यों डर रहे हो? बड़े मोटे फैन बन जाओ, यहां पे सर्च करना है, वीडियो दिखाना, वीडियो उसमें देख लेना, ठीक है? हाय कर दे, हाय। इंस्टाग्राम का आईडी कोई और चला रहे हैं ये सचिन भाई हैं, इन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। और सर कैसे हो, कहां जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो? हेलो, जीरा वर्मा ब्लॉगर सी एस डी, आने का सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब। पहुंच के जहाँ कटिंग करानी है जट भाई की शॉप पे, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ ना भाई जी, हमारे जट भाई हैं, लो अपनी कटिंग कराते हैं भाई। जट भाई कह रहे हैं कमजोर हो गया हूँ मैं। फाइनली गाइस मेरी कटिंग हो चुकी है, अभी रोहित करा रहा है अपनी कटिंग, पर रिक्शे वाला लग रहा है देख। ओ नहीं, एक बार ऊपर देखा परचित। एनी गाइस हम, ओ यार ये फिल्टर हट गया यार। फाइनली हमारी कटिंग हो चुकी है जी जट भाई, थैंक यू। यहाँ पर मैं ऐसे आया था, ऐसा बन के जा रहा हूँ। गाइस हम कटिंग वगैरह करा के, मतलब दोस्त अपने घर से लेके थे, मैं भी अपने घर आ गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एमवीए बंटेश्वर का शूट कहाँ पे हो रहा है। एमवीए बंटेश्वर का शूट हो रहा है जो खरड़ के आगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसके आगे एक पिंड है। आपने देखना है शूट वगैरह एमवीए बंटेश्वर का, तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आगे जाओ और वहाँ किसी से भी पूछ लेना कि यहाँ पर शूट कहाँ होते हैं, वो आपको बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने कर रखा तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।